सो गाइस आइए आज यहाँ पे हम सीखेंगे इस फोन का जो है कुछ हिडन फीचर्स है न्यू डिवाइस में आपको यूज करना चाहिए, सेट इन करना चाहिए। ओके वो सारा चीज मैं आपको इस वीडियो पे बताऊंगा। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो पे। सो पूरा वीडियो को जरूर वॉच करिएगा कंप्लीट लास्ट तक, काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। चलिए यहाँ पे फिलहाल कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट सेटिंग आपको करना क्या होगा, आपका जो इसी जो है फोन का जो सेटिंग है बस सेटिंग पे आना है। इस तरह से आपको अकाउंट जो है बनाने का देखने को मिलेगा, इस पे क्लिक कर लेना है। इस तरह से इंटरनेट कनेक्शन जो है सो ये कुछ और पेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जहां से आपको क्या करना है इस डिवाइस में आपको अकाउंट क्रिएट कर लेना है। बहुत ही जरूरी रहता है, समझ लिया, कंपलसरी रहता है आपको न्यू फोन पे फर्स्ट टाइम आपको यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लेना होगा। इसका कंप्लीट वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, चेक इन जरूर कर लेना। एंड दूसरा चीज आपको क्या करना है, फोन का सेटिंग पे आना है। इसी तरह से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा अबाउट डिवाइस, इस पे आ जाओगे। इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, फर्स्ट में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इस तरह से। तो इसी पे आपको आना है, इस पे क्लिक कर लेना है। सो यहाँ पे गाइज क्या करना है, यहाँ पे आपको एंड्रॉइड 12 अगर रहा आपके डिवाइस में जब परचेज करोगे तो यहाँ पे क्लिक करके एंड्रॉइड 13 को आपको अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर लेना है, जो 4.50 GB का रहेगा। ओके एंड यहीं से आप जो है इससे जो फीचर्स को आपको अपडेट कर लेना है। अगर आपको यहाँ पे ना मिले तो क्या करना है, आपको वीटा वर्जन पे जो ज्वाइन होना है। इसके लिए 3 डॉट पे क्लिक करना है, इस तरह से आएगा बीटा प्रोग्राम देखने को मिला है। इस पे क्लिक करके आप ट्रायल वर्जन जो रहेगा उसे आपको ज्वाइन कर लेना है। इसका भी कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे मिल जाएगा, चेक इन जरूर कर लेना। एंड तीसरा सेटिंग आपको क्या करना है गाइस, बिल्कुल इसी तरह से आना है सेटिंग पे। अब आपको यहाँ पे नीचे की ओर आना है, नीचे की ओर आपको यहाँ पे और नीचे की ओर देखने को मिल जाएगा गूगल, देख सकते हैं। बस गूगल पे आपको क्लिक कर लेना है, जैसे आप गूगल पे क्लिक करते हैं इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नीचे की ओर स्लाइड करते हैं इस तरह से आओगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फाइंड माई डिवाइस, इस पे आना है, इस पे क्लिक कर लेना है। आपके डिवाइस में इस तरह से देखने को मिलेगा। सो इसको क्या करना है, यूज फाइंड माई डिवाइस इसे आपको इनेबल कर देना है। इससे क्या होगा कि कोई भी पर्सन अगर आपका फोन ले लेता है या फिर आपका फोन इधर उधर गुम हो जाता है तो आसानी से इसे आप ट्रैक कर सकते हैं। ओके सो यहां से इसको इनेबल करके रखना जरूरी है। मैं एक कंप्लीट वीडियो लेके आऊंगा, अगर इन फ्यूचर में कुछ भी हो जाए आपके फोन पे चोरी हो जाता है खो जाता है तो कैसे आप लाइव लोकेशन पता कर सकते हैं, उसके लिए मैं चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड नेक्स्ट सेटिंग आपको क्या करना है, बिल्कुल इसी तरह से आना है और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बैकअप का ऑप्शन, इसी पे क्लिक कर लेना होगा। इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे गाइस इस तरह से आपको यहाँ पे शॉप हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे आपको इमेज जो है यहाँ पे मैनेज स्टोरेज का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे एड अकाउंट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके एक जो है जीमेल आईडी आपको दे देना है। इससे क्या होगा कि बैकअप हो जाएगा आपके डिवाइस में जो भी फोटो वीडियो रखे हैं वो सारा चीज इस पे बैकअप हो जाएगा। अगर दूसरा फोन का जीमेल आईडी का अगर आप इस पे दोगे तो उस फोन का जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है फोटो वीडियो है न्यू ओल्ड फोन पे, अगर आप वो न्यू फोन पे कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आसानी से इस पे ट्रांसफर हो जाएगा अगर आप बैकअप पे क्लिक करके रखते हैं एंड वही जीमेल आईडी देके यहाँ पे रखते हैं। तो नेक्स्ट सेटिंग आपको गाइस करना क्या होगा, यहाँ पे आपको फोन के सेटिंग पे आना है, यहाँ पे सेफ्टी एंड इमरजेंसी का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। इस तरह से आपको यहाँ पे शो ऑफ हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इस तरह से देखने को मिल रहा है स्लाइड कर जो नीचे की ओर आना है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, देख सकते हैं इस पे आना है, इस पे क्लिक कर लेना है। अब आपको क्या करना है, एक नंबर जो कि आपका अपना का नंबर हो, यानी अगर आप चाहते हैं कि इमरजेंसी पर मैं इस आदमी से कांटेक्ट करूं सो वो नंबर आपको यहाँ पे टाइप करना है, एड इमरजेंसी कांटेक्ट देखने को मिलेगा। इस पे आपको नंबर यहाँ पे टाइप करना है, आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ से जो भी नंबर आप दे सकते हैं वो देके सेव कर लेना है। एंड वहीं पे आपको देखने को मिला इमरजेंसी शेयरिंग, इस पे आना है, इस पे आपको इस तरह से इनेबल कर देना है, एड पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे एड पे क्लिक करोगे इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं वही ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिला एड इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, यानी यहाँ पे जो भी नंबर डायल करोगे और इमरजेंसी के लिए पावर वाला बटन क्लिक करोगे सो उससे क्या होगा उसके पास आपका लाइव लोकेशन चला जाएगा जो भी नंबर आप सेव करके रखोगे उसी पे। सो ये चीज जरूर फील करके रखना, कंपलसरी रहता है। नेक्स्ट सेटिंग के लिए आपको गाइस क्या करना है, फोन का जो यहीं पे बैटरी वाला आइकन आपको देखने को मिल रहा है, बस इसी पे आना है, इस पे आपको क्लिक करना है, इस तरह से देखने को मिल जाएगा स्लाइड जो है नीचे की ओर आना है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मोड का ऑप्शन, देख सकते हैं बस इसी मोड वाला बटन ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, इस तरह से आएगा। अब आपको ऊपर की ओर आपको देखने को मिला हाई परफॉर्मेंस मोड, इसे आपको इनेबल कर देना है, इस तरह से देखने को मिलेगा ओके पर क्लिक कर लेना है ओके में। इससे क्या होगा गाइस, अगर आपका फोन पे जो है स्लो जो है नेटवर्क हो रहा है, स्लो काम कर रहा है, जो कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन कर रहे हैं गेम वेम प्ले करते हैं तो बिल्कुल स्लो चल रहा है तो इसे इनेबल कर देना है। इससे ये होगा कि फास्ट मोड पे आपका जो है डिवाइस यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। एंड आपको याद रखना है, ध्यान रखना है कि बैटरी इसमें बहुत ज्यादा यूज हो पाएगा। अगर आप बहुत ज्यादा फास्ट यूज करना चाहते हैं इस डिवाइस में, कोई भी इंटरनेट हो गया, गेम प्ले हो गया, कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर रहे हैं फास्ट यूज करना चाहते हैं तो इसे आपको ऑन कर देना है। एंड इससे बैटरी भी ज्यादा यूज होगा, इस चीज को समझ लेना। सो अगर आपको गेमिंग के लिए प्रॉब्लम हो रहा है तो इसे आपको यूज जरूर करना चाहिए।
नेक्स्ट सेटिंग के लिए आपको क्या करना है, बिल्कुल इसी तरह से बेस्ट सेटिंग पे आना है। बैटरी वाला आइकन आपको देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको देखने को मिला शो बैटरी लेवल स्टेटस बार, इस तरह से आएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, बैटरी परसेंटेज देखने को मिला आपकी डिवाइस में, इस तरह करके रहेगा। सो इसे आपको इनेबल कर देना है ऊपर की ओर, कितना बैटरी आप यूज कर रहे हैं, कितना चार्ज है नहीं है, परसेंटेज के हिसाब से दिखा देगा। एंड वहीं पर आपको देखने को मिला रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, इसे मैं क्लिक करूंगा ऊपर की ओर, आपको कुछ भी नेटवर्क स्पीड देखने को नहीं मिलेगा। ये आपको इस तरह से कर देना है, नेटवर्क आपका कितना स्पीड है वो आपको शो ऑफ हो जाएगा। एंड नेक्स्ट सेटिंग में आपको क्या करना है, फोन के सेटिंग पे आना इस तरह से, और यहाँ पे सेलेक्ट करते हो, यहाँ पे आओगे, यहाँ पे देखने को मिलेगा सबसे फर्स्ट में एप्स, एप्स पे क्लिक कर लेना, इस तरह से आना है नीचे की ओर। सबसे नीचे की ओर आपको यहाँ पे देखने को मिला ऐप लॉक, देख सकते हैं, इस पे आना है, क्लिक कर लेना है। अब कोई भी अगर लॉक लगाना चाहते हैं किसी भी ऐप पे, इस तरह से देखने को मिल जाएगा, इस पे आपको पासवर्ड दे देना है। नेक्स्ट सेटिंग आपको देखना है, इस तरह से आएगा, यहाँ पे एप्स के नीचे पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन देखने को मिला, इस पे आना है, क्लिक लेना है। अब गाइस यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं फोन पे जो भी लॉक लगाना चाहते हैं, लॉक स्क्रीन, फेस लॉक, या फिर फिंगरप्रिंट, या फिर पासवर्ड, वो चारों ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिला, देख सकते हैं। यहाँ से जो भी लॉक लगाना चाहते हैं बस उस पर क्लिक करके आपको क्या करना है, लॉक आपको टाइप कर देना है, इस तरह से देखने को मिल जाएगा। अब न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक, पैटर्न जो भी लगाना चाहते हैं इस पर क्लिक करना है, इस तरह से आएगा। कंटिन्यू पे क्लिक करोगे उसके बाद आपको लॉक मांगा जाएगा, लॉक आपको दे देना है, जो भी जो है पासवर्ड देना चाहते हैं वो आपको देके आपको इस पर लॉक कर देना है। नेक्स्ट सेटिंग आपको क्या करना है गाइस, बिल्कुल इसी तरह से आना है फोन का सेटिंग पे, और यहाँ पे आपको स्लाइड कर जो नीचे की ओर आना है, यहाँ पे अबाउट डिवाइस मिलेगा, इस पे आना है, क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वर्जन, देख सकते हैं, इस पे आना है, क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको सबसे फर्स्ट में आपको बिल्ड नंबर देखेगा, इस पे आपको जो है 5 से 6 बार इस तरह से प्रेस करना है। नीचे की ओर आपको यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन जो है इनेबल हो जाएगा, वो बता देगा। जैसे कि मैं यहाँ पे सेटिंग पे आ चुका हूँ, डीईवी डेवलपर ऑप्शन यहाँ पे सर्च करूंगा, नीचे की ओर आपको यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑप्शन इनेबल करके काफी कुछ सेटिंग जो है आप यहाँ से कर सकते हैं। फोन का काफी सारे सेटिंग आपको यहाँ पे जो देखने को मिल जाएगा, जो कि डेवलपर वाले ऑप्शन पे आपको देखने को मिल रहा है, इसी पे रहता है। सो इसके लिए आपको डेवलपर ऑप्शन इसे इनेबल करना होगा, जिस तरह से मैंने बताया। नेक्स्ट सेटिंग क्या है गाइस, इसी तरह से आना है, डेवलपर वाले ऑप्शन सेटिंग पे आना है, डेवलपर सर्च कर लेना है, इस तरह से देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे रनिंग सर्विस आपको देख लेना है, निकाल लेना है, इस तरह से देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन यहाँ पे शो ऑफ हो रहा है ये बैकग्राउंड पे आपका चल रहा है, एंड बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे आपका बैटरी यूज हो रहा है। सो आपको क्या करना है, इस तरह से क्लिक कर लेना है, यहाँ पे स्टॉप पे आना है, इस तरह से आपको स्टॉप कर लेना है, हर एक एप्लीकेशन यहाँ पे कर लेना है। ओके, इससे ये होगा कि बैटरी आपका ज्यादा यूज नहीं होगा। सो आपका बैटरी बहुत ज्यादा अगर यूज रहता है, खत्म हो जाता है, तो यहाँ पे रनिंग पे आके यहाँ पे स्टॉप कर देना है। ये वीडियो आपको लगा है, और भी काफी सारे सेटिंग के बारे में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के पे, सो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो आपके इस डिवाइस में, सो कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।